नमस्कार, घमासान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट के तौर पर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष केदार शंकर सिरोही जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। केदार जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। जय किसान। आप स्वयं एक कृषि स्नातक हैं, इंदौर से ही आपने अपनी स्टडी करी, आप एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स में फॉरेन भी रहे, आपका काफी लॉन्ग अनुभव रहा एग्रीकल्चर में। आपने आम किसान यूनियन के माध्यम से किसानों के हित में बड़े नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट भी चलाए, आपकी जर्नी काफी उतार चढ़ाव वाली रही, तो आप थोड़ा बताइए कि क्या आपकी जर्नी रही और आप अभी कहां तक पहुंचे। देखिए, ये तो है एक जर्नी, एक शुरुआत है, चलती रहती है, ये तो कभी रुकने वाली नहीं है। उतार चढ़ाव जीवन का एक पहलू होता है जी। मैं तो एक ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ से मतलब पांचवीं तक की स्कूल है, उस स्कूल में गए हम लोग। आजकल तो काफी अच्छी व्यवस्था है, सारी जगह हो गई। हम तो अपने हमारे गांव में जो यूरिया खेतों में डालते थे उसका बोरी का बैग बनाते थे और स्कूल ले जाते थे, गांव तक पढ़ाई की, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। फिर गांव और खेती से था तो हमें अपने सेगमेंट में पढ़ाई करना था, इसलिए एग्रीकल्चर को चूज किया कि उसको हम लोग पढ़े। फिर उसको पढ़ के एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला लिया, एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ाई की, एग्रीकल्चर से बीएससी की, एमएससी एग्रीकल्चर की। फिर उस समय मैनेजमेंट का दौर आया तो एमबीए किया। एमबीए करके एक जो एक प्रोफेशनल होते हैं उस तरीके से हम लोग ने जॉब ज्वाइन कर लिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। फिर प्राइवेट सेक्टर में सारी जगह काम किया, जो मेरे प्राइवेट सेक्टर का जो मेरा जॉब था वो सारा इनोवेटिव मॉडल थे उन पे था, कमोडिटी एक्सचेंज पे था, वेयर हाउसिंग पे था, ई प्रोक्यूरमेंट मंडी पे था, इस तरीके अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट पे मैंने काम किया। फिर विदेश जाने का मौका मिला तो गांव से रहने के कारण नीतियों को पढ़ने का एक शौक था कि भी हम लोग जो खेती की नीति है इसको पढ़ना, और जो नीति है और जो जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग हमेशा मैच करने की कोशिश करते रहते थे, तो उसमें बहुत बड़ा गैप दिखा। तो गैप देखकर ऐसा लगा था कि एज ए प्रोफेशनल मैं अपने परिवार को तो बहुत अच्छे से चला सकता हूँ और अच्छा चल रहा, कोई उसमें तकलीफ नहीं है, पर अगर हमारे को हमारी सोसाइटी को अगर डेवलप करना है तो हमको ये गैप को मिटाने के लिए काम करना पड़ेगा। अब ये गैप को मिटाने के लिए काम करने के लिए आपको जमीन पर आना पड़ेगा, किसानों के बीच में आना पड़ेगा, सरकार से आपको संवाद करना पड़ेगा। वो प्रोफेशनल लाइफ में ठीक नहीं था, मतलब वहां से ये कंफर्टेबल नहीं था, तो जॉब छोड़ के फिर कंपटीशन लगा आपको? हाँ, उसमें कंपटीशन था। फिर हम लोगों ने वहां से ये छोड़ के काफी, जब सोशल मीडिया एक हमारे लिए बड़ा एडवांटेज रहा कि देश में आज भी पूरा यूथ जो है वो खेती में बड़ा बदलाव चाहता है, वो चाहता है ये तकलीफ जो दिख रही है वो हमारी दूर हो, क्योंकि ये तकलीफ हमारी जो ये परमानेंट नहीं है, ये बनाई गई हुई है नीतियों के कारण, इसमें जो नीतियों का पॉलिसी पैरालिसिस है ये इसका परिणाम है। अगर इसको हम लोग सुधारते हैं तो बाकी में जो हमारी देश की खेती है वो जो सोने की चिड़िया थी वो सोने की चिड़िया वापस बन सकता है। तो इसको लेके हम लोगों ने एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा किया, कई आंदोलन किए, और जितने भी हम लोगों ने आंदोलन किए वो उसमें एक सबसे बड़ी विशेषता रही थी कि वो सारे आंदोलन तथ्यों पर थे, सत्यता पर थे, और कोई बनावटी आंदोलन नहीं था, इसलिए हम हर बार लड़े, हर बार जीते हैं। अभी लेटेस्ट देखिए, कल परसों में हमने एक पेस्टिसाइड कंपनी से जीते हैं, इसके पहले हम लोग फसल बीमा से जीते। तो हमने हमारा एक बेसिक रखा था, सड़क से लेके जो कोर्ट की लड़ाई है वहां तक लड़ेंगे। सोशल मीडिया हमारा एक बड़ा साथी रहा, उससे हम लोगों ने जोड़ा, क्योंकि किसान यूनियंस में सबसे बड़ा तकलीफ ये होता है कि आज हमारे देश में विचारधाराएं हो गई है एक पॉलिटिकल है, और ऑलमोस्ट जहां हमको ताकत दिखाने की बात आती है वहां सारे लोग पॉलिटिकल हो गए। ये एक सबसे बड़ी बात आ गई है कि जब वोटिंग आता है, जब किसान अपने आप पे वोट नहीं करता है वो पॉलिटिकल विचारधारा पे वोट करता है। Exactly. तो ये चीज को समझते हुए हम लोगों ने फिर बाद में डिसाइड किया कि हम लोग को एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सिर्फ ज्ञापन देना, आंदोलन करना, इसके आगे हमको एक समाधान की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये सारी जर्नी रही है, और इसी के चलते चलते आगे बात बढ़ती गई, आंदोलन बढ़ते गए, मध्य प्रदेश में काफी अच्छा हमने काम किया, उसके साथ में देश के जो जितने किसान संगठन थे उन लोगों से हमारा संबंध में बड़ा अच्छा था।
सब लोगों से सारे किसान नेताओं से हम लोगों ने बातचीत की और एक प्लेटफॉर्म बना था किसान एकता, उसमें देश के 200 करीब किसान संगठन इकट्ठा हुए, देश के अच्छे नीति के जानकार इकट्ठा हुए और किसानी मुद्दों पर बातचीत चालू की। तो पहले हम लोग जो बटे हुए थे, फसल पे बटे थे, क्षेत्र पे बटे थे, भाषा पे बटे थे, ये सारी चीज हटके फिर हम लोग मुद्दे पे आ गए। तो आप देख रहे हैं कि देश में किसान कर्ज माफी का मुद्दा आया, लागत का मूल्य का मुद्दा आया, लैंड एक्विजिशन के खिलाफ आवाज उठी, उसके बाद आप देखते हैं कि हमने प्राइस की बात की, इनकम गारंटी की बात की, किसान आत्महत्या रोकने की बात और किसान आत्महत्या पर मुखर हुए। तो ये एक तरीके से आज पॉलिटिकल स्पीच में आप देख रहे हैं। मैं एक और आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने जब गैर राजनीतिक आंदोलन आपने चलाया और फिर आपने उसी के माध्यम से आप राजनीतिक आंदोलन में आए, आपने मेन स्ट्रीम पार्टी जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपने ज्वाइन किया, आपने कांग्रेस को ही क्यों चूज किया, इसके पीछे क्या कारण रहा? और भी पार्टियां थी, आपको और भी लोगों ने अप्रोच किया होगा, तो कांग्रेस ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा आपका? जी, ये बेसिक है कि देखिए, जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे तो उस समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भाजपा के सारे लोगों से ही संवाद था जी। हम लोगों का जो कांग्रेस की तरफ जाने का दो कारण था, कि पहला कारण था कि किस पार्टी की विचारधारा किसान हित में है। तो आप अगर देखेंगे तो जो भाजपा है वो पूरी तरीके से शहरी या अर्बन विचारधारा की तरफ रखती है, पूंजीवादी विचारधारा की पार्टी है, वो हमारी खेती के लिए ठीक नहीं थी। तो इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस के कई किसान के पक्ष में है। तो पहला हमारा कारण ये था। दूसरी बात ये थी कि पिछले 5-7 साल से जो हम लोगों ने संघर्ष किया, तो भाजपा का जो रवैया था वो किसान की समस्या को समाधान करने का नहीं था। इनका मामला ये था कि सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा हो, सिर्फ नीपा पोती कैसे हो, किसान को और आम जनता में डेटा दिखाया जाए कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रास रूट से इनको कोई मतलब नहीं था। जब तक आप ग्रास रूट पर नहीं जाओगे, ग्रास रूट के लोगों को फायदा नहीं दोगे, तब तक वो खेती का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इस कारण इनसे हम लोग नाराज थे। देखिए, इसका एक बड़ा उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में 29% की ग्रोथ हो रही थी। अब 29% की ग्रोथ होना मतलब आपकी खेती खुशहाली की तरफ चली गई। मोदी जी कहते हैं आय दुगनी करने के लिए हमें 10.40% की वार्षिक ग्रोथ चाहिए, तो उससे तो यहाँ कई गुना ज्यादा हो रही थी। फिर भी मध्य प्रदेश में आत्महत्या बढ़ रही थी, सबसे ज्यादा बढ़ रही थी। कर्मणता पुरस्कार हम एक तरफ ला रहे थे, लगातार 3 साल मिला, हाँ, ये छठवीं बार का हो गया है। अच्छा, हाँ, तो डेटा में मैनिपुलेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, ये सिर्फ भाजपा की नीति रही थी, तो वो किसानों को फायदा नहीं हुआ। हम 6 बार कर्मणता पुरस्कार ला रहे हैं, उत्पादन बड़ा दिखा रहे हैं, फिर भी किसानों के ऊपर कर्जा ज्यादा रहा, फार्म किसान की जो आत्महत्या वो बढ़ रही है, किसानों का जो कर्जा है वो बढ़ गया, जीवन का स्तर जो है उनका वो और नीचे गिरा है। तो ये चीजों में हमारा भाजपा के साथ तालमेल बिल्कुल नहीं बैठा था। इसको लेके हम लोगों को स्पष्ट था कि अगर मध्य प्रदेश में कुछ करना है तो भाजपा के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि 15 साल का उनका नीति का हम लोगों ने बारीकी से अध्ययन किया, तो वो किसान के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। एमपी में तो ऐसा कहा जाता था कि मध्य प्रदेश के जो किसान है वो शिवराज सिंह जी की ताकत बन गए थे। 3 बार जो उन्होंने रिपीट किया लगातार अपना कार्यकाल, उसमें कहीं ना कहीं किसानों का योगदान था। 3 बार के कार्यकाल को वो रिपीट नहीं कर पाए, 4थी बार उनकी जो सरकार बननी पड़ी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो क्या किसानों ने ही ये तख्ता पलट किया है? जी देखिए, ये बड़ा बहुत बड़ा प्रश्न है जी। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जब हम लोग बात करते थे तो वो शिवराज जी के और किसान के बीच में नहीं आते थे। उनको लगता था कि शिवराज जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो किसान है जी। शुरू के समय में पहला टप लिखा रहा था जिसमें किसानों के लिए इन्हें सोचा, और ये किसानों को खुश करने के लिए छोटी 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 स्कीम्स देते थे जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आपका मतलब बीमारी का दर्द है तो उसमें सिर्फ पेन किलर दे रहे थे, उसका ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, तो आदमी को क्या लग रहा था, एक राहत भरी चीज लग रही थी, ऊपरी राहत लग रही थी, उसको पेन खत्म हो रहा था पर उस बीमारी का सलूशन नहीं निकल रहा था जी। जब हमने देखा कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा गैप है और ये गैप
और इस बीच का संवाद किसानों के बीच में किया जाए, तो उस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे बात नहीं कर रही थी। हम लोगों ने जब जाके गांव में किसानों से बात की, हमने मुद्दे को उठाया, उसकी पॉलिसी नीति में देखा, तो देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लूट हो रही है। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा नकली इनपुट मध्य प्रदेश में बिक रहा था। अगर आप किसान के बेटे थे तो मध्य प्रदेश में नकली इनपुट कैसे बिक सकता है? क्या आपको नहीं पता खाद खराब बिक रहा है, आपका बीज बिक रहा है? आप 1500 सैंपल लेते हैं दुकानों से पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें से 600 आप टेस्ट करते हैं, उसमें से 450 आपके फेल हो जाते हैं, उसमें से 3-4 की FIR होती है, एक पर भी कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये जब गए, फिर दूसरा हमने देखा कि किसान की जो मेन चीज थी आमदनी, आमदनी पे बात होनी चाहिए ना, हमारी खुशहाली आमदनी से जुड़ी हुई है, तो आमदनी पे ये लोग बात नहीं कर रहे थे, छोटा छोटा ट्रीटमेंट दे रहे थे। रूरल में जो यूथ है वो पूरी तरीके से बेरोजगार होकर बैठ गया था, कोई आज भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फसलों के दाम कौन सा ऐसा चक्रव्यूह चलाते थे कि वो फसलों के दाम ही नहीं आ पा रहे थे। जो मालवा जैसा संपन्न इलाका वो आंदोलन के लिए सामने आया, किसानों आंदोलन पर गोलियां चल गई। पहली बार मालवा में आंदोलन हुआ, पहली बार इतना बड़ा आंदोलन, और ये देश के इतिहास में पहले देखिए, जो उत्तर प्रदेश था जो सक्षम इलाका था, हरियाणा था, वहां पर आंदोलन होते थे, मध्य प्रदेश और दूसरे इलाकों में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन। ये अगर प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ के किसानों को दिख गई थी कि हमारी संपन्नता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, हम उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं पर इसके लिए कोई विजन नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास। आपके पास न वेयरहाउस है, न आपने मंडियों में कोई अच्छा किया, न फूड प्रोसेसिंग में कोई आपने अच्छा काम किया, न एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट में जो स्पेशली हमारा जब मालवा मध्य प्रदेश का, अब देखिए गेहूं की पूरे देश में डिमांड है, सीहोर का गेहूं, विदिशा का गेहूं, सरबती गेहूं, हमारे पास उसके लिए कोई प्लान नहीं है। भारत का सबसे अच्छा धान हम उत्पादन करते हैं, जिसमें सबसे अच्छी बासमती में खुशबू आती है, पकता है, हमारे पास कोई प्लान नहीं। देश का सबसे बड़ा दलहन उत्पादन, क्वालिटी का दलहन उत्पादन हम करते हैं, हमारे पास कोई प्लान नहीं। प्याज में आप देख लीजिए, लहसुन में आप देख लीजिए, दूध के सेगमेंट में देख लीजिए, हर एक सेगमेंट में हम लोग पीछे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नीति सिर्फ ऊपरी तौर पर राहत देने की थी, एक डेवलप करने की नीति, एक फार्मर को सक्षम बनाने की नीति। तो क्या आपके पास कोई विजन और मिशन है क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास में? और हमने केंद्र में भी आपका मैनिफेस्टो देखा, राहुल गांधी जी ने जो घोषणा पत्र में भी किसानों के लिए काफी राहत की बात करी है, तो क्या आपके पास कोई विजन और मिशन है क्या जिससे यहाँ सुधार हो जाए? बिल्कुल विजन भी है, मिशन भी है, उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विजन में स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश में पहला जो एक तात्कालिक रिलीफ जो है वो फार्मर को देना है, जिसे एक वो रहता ना कि आदमी वेंटिलेटर पे है, तो वेंटिलेटर पे से उसको आईसीयू में लाना है, आईसीयू से एक सामान्य वार्ड में लाना है, और सामान्य वार्ड से उसकी छुट्टी करके उसको घर भेजना है, फिर वो 2-4 दिन के बाद दौड़ लगा दे। ये बात हमने की, तो उसके लिए जो पहला किसान के लिए था वो कर्ज माफी था, तो हम लोगों ने कर्ज माफी की। अभी देश में सारी जगह तकलीफ एक है, वो तकलीफ हम पहले ही मध्य प्रदेश में दूर करने जा रहे हैं कि एक जो डेटा होता है हमारा एग्रीकल्चर का डेटा है वो सही नहीं है, डेटा का कलेक्शन सही नहीं है। अब आप मान लीजिए खराब मिट्टी से मूर्ति बनाएंगे तो वो मूर्ति उतनी अच्छी नहीं बन सकती है। अब मूर्ति बनाने के लिए आप एक स्पेसिफिक मिट्टी की जरूरत होती है, तो आपकी पॉलिसी बनाने के लिए आपके पास एक अच्छे डेटा की जरूरत है, ऑथेंटिक डेटा की जरूरत है। तो पहला हमारा जो विजन है कि मध्य प्रदेश में सबसे जो बेसिक रॉ डेटा है, जो प्राइमरी डेटा है, उसको एक्यूरेसी के साथ में कलेक्ट करें, और जो डेटा के अनुसार जो पॉलिसी है, आप डायग्नोस देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको आपकी बीमारी पता होना चाहिए। अगर आपको आपकी बीमारी पता हो गई तो उसके 100 सॉल्यूशन है, उसका उपचार है। तो हमारे अगर सही तरीके से हमने डेटा का कर लिया तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, उसके लिए भी हम लोग एक स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं। मैनिफेस्टो में भी दिखा था कांग्रेस में, रियल टाइम डेटा आप पूरे मध्य प्रदेश के देख सकते हैं, किसान ने कितना बोया, कितना कर्ज लिया, उससे जो ये सहकारिता का करप्शन है वो खत्म हो जाएगा, आपका दूध का
अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। डायरेक्ट आप कंज्यूमर से फार्मर को जोड़ने की बात करते हैं, आप माय डॉक्टर माय टीचर माय फार्मर बनाने की बात हमको करनी पड़ेगी कि मैं अगर ऑर्गेनिक फार्मर हूं तो मेरा डेटा है तो कोई भी मुझे व्यक्ति जो है ऑर्गेनिक पसंद करने वाला वो मेरे से सीधा ले लेगा, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस हम लोग उनका करके देना चाहते हैं। तो इस तरीके का एक डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मध्य प्रदेश में खेती में अपार संभावना है। एक तो हम भारत के सेंट्रल पॉइंट में हैं, पूरे बड़े शहरों में अच्छा रेलवे नेटवर्क है, हमारे पास बड़े बड़े मार्केट हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा गेहूं, सरबती गेहूं एक पूरे देश के, हम तो विदेश में इसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, धान में कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में हम कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ जलवायु 11-12 तरह की जलवायु है, 16-17 तरह की मिट्टियां हैं, तो ये हमारे लिए एक ताकत है। अब इस ताकत को हम लोग एक्सेलरेट करें, इसके हिसाब से प्लानिंग बना। अभी हम लोग छोटे छोटे जोन बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर के, जहां पर प्रोडक्शन और उसका मार्केट बिल्यूशन। हमारी सोच है कि मध्य प्रदेश में जो मंडियां हैं, मंडियों में प्रोसेसिंग यूनिट लगे। अब मान लीजिए चना उगाया है किसान ने, तो चने का एक दाल मिल, कोऑपरेटिव दाल मिल उस मंडी में लगा हो विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप उसको लगाएं, फिर आप सीधा किसान उस दाल मिल पे अपना चना ले जाएगा, दाल बनवाएगा, दाल बनवा के वहां 5-10 किलो की पैक करेगा, वो दाल को बेचेगा, जो उसका बाय प्रोडक्ट बचेगा वो उसको एज ए एनिमल फीड अपने यहाँ पशुओं के लिए कर लेगा। तो धीरे धीरे जैसे अब हमारे को मार्केट चेन कम करनी है, वैल्यू एडिशन में बढ़ना, इससे क्या होगा कि गाँव का जो युवा है वो रोजगार ले लेगा। तीसरी हमारी बहुत स्पष्ट सोच है कि डिसेंट्रलाइज करना, इसको गांव-गांव तक पंचायत स्तर पर ले जाना। अब जमाना भारत को जरूरत आ गई है कि गांव की अपनी एक कंपनी बने। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहे हैं क्या? जी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, ये सारी चीज मिलजुल कर जो काम करने की है, वो एफपीओ हो सकते हैं, आपकी प्राइमरी जो कोऑपरेटिव है, पीसीएस हो सकती है, और भी उसका नया रूप दे सकते हो, एलएलपी जो आजकल आपकी कंपनी फार्मेशन में आ गई है, आपको इवन प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई एक गांव अपना फार्म बनाएगा, वो फर्टिलाइजर बल्क में ले लेगा, तो उसको 10-20% का जो मार्केट मार्जिन है वो खत्म हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया, उसके अपने गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इनपुट का बनाना चालू कर देगा, गांव में कुछ लोग सीड का प्रोडक्शन करेंगे, कोई ऑर्गेनिक इनपुट का जो खाद है इनका उत्पादन करेंगे, एक सामूहिक आपको मील लगानी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग चैनल डेवलप करनी पड़ेगी, अल्टरनेट जो बिजनेस है सेकेंडरी जो एग्रीकल्चर के हैं, आपको मुर्गी पालन की तरफ भी जाना पड़ेगा, बकरी पालन की तरफ भी जाना पड़ेगा, दूसरे ऐसे कई खेती के, आप मैं तो कहता हूँ बहुत से गांव ऐसे हैं जो एग्रो टूरिज्म में जा सकते हैं, हमको ये सारी चीजों को बड़े स्तर पर सोचना होगा। इटली में कृषि टूरिज्म स्टार्ट हो चुका है, हाँ, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, आप एक कैंप लगा दें वीक में एक दिन, वहाँ जाएं, लोग देखें, खेती को समझें, उससे तो बड़ी संभावना है हमारे पास है। ये सारी चीजों को हमको जोड़ना पड़ेगा। मसला यही है कि जो खेती है, खेती और कंज्यूमर के बीच में जो एक लंबी लाइन है, उसमें फार्मर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, गाँव लेवल पर सारी चीजें देनी पड़ेगी। आज की तारीख में बड़ा आसान है, इंटरनेट का जमाना है, बायर सेलर ढूंढने में आपको बड़ी आसानी है, आप कहीं से भी कहीं के भी बायर सेलर मिल जुल सकते हैं, तो आपके गांव में लेबर सस्ता है, आप खुद वहां पर मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आज मशीन आ गई, खेती में उतना काम नहीं, तो आपको वैल्यूएशन की तरफ आना पड़ेगा। अभी कर्ज माफी के बारे में आपने जो बताया, उसको जो प्रमुख विपक्षी दल है बीजेपी, हाँ, उसने हमेशा उसको चुनौती दी है, हाँ, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी का जो कर्ज माफी का जो दावा है वो खोखला साबित हुआ है, बहुत सी जगहों पर विषमताएं भी आई हैं, प्रॉब्लम्स भी आई हैं, विसंगतियां भी आई हैं, हाँ। तो ये विसंगतियां कैसे दूर होगी या क्या उसकी रियलिटी है? देखिए, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।